और गालियां खाई। हमने गांधी परिवार पर वीडियो बनाई, हमने गालियां खाई। हमने मायावती पर वीडियो बनाई, हमने गालियां खाई। हमने हिंदुओं पर वीडियो बनाई, हमने गालियां खाई। हमने मुसलमानों पर वीडियो बनाई, हमने गालियां खाई। अब तो गालियों की आदत सी हो गई है, तो अब हो जाइए तैयार फिर से, क्योंकि ये वीडियो कुछ लोगों के शरीर में घी का काम करेगी और कुछ लोगों के मिर्च का। पर हमारा काम है सच्चाई से आपको रूबरू करवाना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सत्ता पाने का काला राज, जो मोदी जी बहुत अच्छे से खेल गए। आज से ठीक 7.5 साल पहले हुआ सत्ता संघर्ष, क्या याद है आपको? उस संघर्ष में भाजपा पर कब्जा जमाने के लिए आडवाणी और मोदी के बीच एक युद्ध छिड़ा था। सुलह समझौता राजनाथ सिंह ने करवाया था। नितिन गडकरी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दरअसल हुआ क्या था 7.5 साल पहले, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 7.5 साल पहले झगड़ा किस बात पर था। दरअसल बात ये थी कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भाजपा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, उन्होंने भाजपा के सामने ये शर्त रखी कि वो उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। लेकिन नरेंद्र मोदी बिगड़ गए। नरेंद्र मोदी ने सीधी धमकी दे डाली कि अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें ही बनाया जाए, और वो भी इसी महीने। ये सुनकर सब सकते में आ गए। खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, आनन फानन में भाजपा हाईकमान की मीटिंग हुई। नरेंद्र मोदी और आडवाणी दोनों के बीच सुलह करवाने का प्रयास हुआ और अंत में ये निर्णय लिया गया कि चुनाव लड़ने के लिए धन की व्यवस्था आडवाणी और मोदी में से जो भी करेगा, पार्टी उन्हें ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। अपने 12 साल के गुजरात के शासन के दौरान नरेंद्र मोदी की मित्रता कुछ बड़े उद्योगपतियों के साथ थी, जबकि आडवाणी के साथ ये सुविधा नहीं थी। धन की व्यवस्था करने में नरेंद्र मोदी सफल रहे। अब उसके बाद घटनाक्रम धीरे धीरे बदलने लग गया। पूंजीपतियों ने भाजपा के सामने शर्त रख दी कि भाजपा को तभी धन उपलब्ध करवाएंगे जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी घोषित कर दे। भाजपा को पूंजीपतियों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना पड़ा। आडवाणी नाराज होकर कोप भवन में बैठ गए। उसके बाद धीरे धीरे घटनाक्रम बदला। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश अंबानी ने देश में 22 चैनल खरीद लिए। इन चैनल को ये निर्देश था कि वो दिन रात मोदी का प्रचार करे, उनकी रैलियों के भाषण लाइव टेलीकास्ट करे और समस्त विपक्षी नेता यानी आज के विपक्षी नेताओं पर तंज कसने के लिए कहा गया। मायावती, अखिलेश, केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू समेत तमाम नेताओं पर तंज कसने के लिए कहा गया। मीडिया ने ये काम बखूबी किया भी। तकरीबन 600 वेबसाइटों को मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। नरेंद्र मोदी ने 400 रैलियां की थी। इन रैलियों का खर्चा अपने 67 पूंजीपति मित्रों के द्वारा उठाया गया। नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार करने के लिए एक हेलीकॉप्टर दिया गया था। ये हेलीकॉप्टर चुनाव प्रसार के लिए अडानी ने दिया था। जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी बदली, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए। अरे मित्रों, मैं तो पीएम बन गया, पीएम बन के कैसा तन गया, ये विक्ट्री मेरी देखो, ये हिस्ट्री मेरी देखो, जैसे मॉडल मेरे गुजरात का। उसके बाद सिलसिला हुआ कर्ज उतारने का, तो सुनिए क्या क्या हुआ। अडानी को ऑस्ट्रेलिया के क्विंसलैंड शहर में खनन के लिए 600 करोड़ का कर्ज नरेंद्र मोदी ने दिलवाया। उनके पिछले 67,000 करोड़ के लोन को माफ कर दिया गया। मुकेश अंबानी को फ्री में 4G स्पेक्ट्रम दिए गए। इसके अलावा मुकेश अंबानी की कंपनी पर पिछली सरकार द्वारा लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया गया। उनके भी कुछ कर्जों का राइट ऑफ कर दिया गया। दैनिक जागरण अखबार ने लोकसभा प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी का बखूबी साथ दिया था, इसलिए इस अखबार के मालिक को मोदी जी ने राज्यसभा में सांसद बना दिया। दैनिक भास्कर अखबार, जिसके मालिक वेदांता कंपनी है, उसको मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में कोयले की खदान दिलवा दी। जी न्यूज, जिसने दिन रात नरेंद्र मोदी का प्रचार किया और आज भी कर रहा है, उसके मालिक सुभाष चंद्र को भाजपा ने राज्यसभा सांसद बना दिया। और अब बात करें किसान और गरीब लोगों की, तो शायद उनके बारे में मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी नेता कोई भी पार्टी का हो एक ही बात बोलता है, कर्ज माफ, लोगों को नौकरी और लड़कियों को सम्मान। तो क्या हुआ भाई साहब, कर्ज तो आप सभी का माफ हो ही गया होगा और नौकरी भी लग गई होगी आराम से घर बैठकर खाने की। वैसे देखा जाए तो हम जवानों को इस फोन से फुर्सत मिले तब ना। 4G की लहर ऐसी आई है, हमारी आवाज तभी निकलती है जब टिकटॉक और पबजी बैन हो जाए। वैसे भी टिकटॉक के बैन होते ही अंबानी ने 5 बिलियन का ऑफर दे दिया टिकटॉक को कि हमें बेच दो, हम खरीद लेंगे। और रही बात पबजी मोबाइल गेम की, तो पबजी बैन होते ही खबर आई कि हम 4G गेम मैदान में उतार रहे हैं। अच्छी बात है, मेक इन इंडिया होना भी चाहिए, पर शायद अब इस गेम से युवा गलत दिशा में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको गंगा के जल से धोकर लॉन्च किया जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये थी खबर।
बाकी जो मीडिया दिन रात आपको दिखाता है वो तो सिर्फ उसका प्रचार है। साथियों, ये खबर हर फोन में होनी चाहिए, जिससे कि बीजेपी की इस करतूत का सबको पता चल जाए। देश हित के लिए जनहित में जारी।